करीब 10-11 साल पहले एक लड़का, बच्चा ही बोलेंगे, वो अल्मोड़ा है, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर अल्मोड़ा से निकलकर प्रकाश पादुकोण एकेडमी बैंगलोर में शिफ्ट करता है। और 10 साल तो लग गए, बट आज भी उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, ही इज द यंगेस्ट इंडियन मेल शटलर टू विन एन वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल। लक्ष्य सेन हमारे साथ हैं। लक्ष्य, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत मुबारक हो, एंड जिस हिसाब से आपने खेला है और जिस हिसाब से आप खेल रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, वो काबिले तारीफ है। कैसे देखते हैं कल का जो आपने मैच खेला, जो ब्रॉन्ज मेडल इस वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये कहाँ रखते हैं आप? थैंक यू सर, अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड यह काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट था। एंड दिस सीजन इतने सारे मैचेस हमने कंटिन्यूअसली खेले हैं, और ये बीइंग द 8th और 9th टूर्नामेंट ऑफ द सीजन काफी काफी मैचेस जो थे वो काफी लंबे हो रहे थे। एंड ऑल फर्स्ट राउंड से 3-3 गेम्स मैचेस में खेल रहा था, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मिले ओवरऑल टू चेक माय फिटनेस, चेक एवरीथिंग। एंड काफी आई हैव टू बी वेरी मेंटली वेरी स्ट्रांग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बिकॉज इन दिस बिग टूर्नामेंट द प्रेशर इज डिफरेंट, बाकी टूर्नामेंट से थोड़ा अलग रहता है। तो या मैं काफी मेंटली काफी प्रिपेयर था ये टूर्नामेंट के लिए। एंड बीइंग प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड बिफोर द मैच आई वाज थिंकिंग अबाउट द मेडल और रिजल्ट, आई जस्ट वाज टेकिंग वन मैच एट अ टाइम कि सेमीफाइनल जीतना है एंड देन टू गो फॉर द फाइनल। बट या एक कल का मैच वॉज काफी क्लोज था मेरे लिए, एंड एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। काफी हार्ट ब्रेकिंग था बिल्कुल सेमीज में हारना, बट ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छा टूर्नामेंट रहा मेरे लिए। एंड दिस ब्रॉन्ज मेडल मैच जो मैं हारा, तो उससे भी काफी जो आने वाले टूर्नामेंट है फ्यूचर में काफी मोटिवेशन था। बिल्कुल लक्ष्य, अब जैसे आपने बताया, क्योंकि आपने जो पिछला मैच खेला था, क्वार्टर फाइनल मैच खेला था जाऊ के साथ, वो आपका बहुत ही जबरदस्त मैच था। इनफैक्ट श्रीकांत, जो आपसे उम्र और तजुर्बे में काफी आगे हैं, उनको आपने, मतलब आप बोलते हैं कि यू पुश्ड हिम टू द लिमिट, और ऐसा लगा नहीं। इनफैक्ट जिस हिसाब से आप खेल रहे थे, सेकेंड गेम में भी आप एक वक्त पे अच्छी खासी आपकी लीड थी। बट मैं ये बोलूंगा, क्योंकि आप देखिए प्रकाश पादुकोण एकेडमी से आते हैं, वहां पे विमल कुमार जैसे एक बड़े सुलझे हुए कोच हैं, प्रकाश सर खुद एक बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, और आपके फादर आपको काफी बचपन से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है कोचिंग के लिहाज से। प्रकाश पादुकोण अकेडमी के लिए कितनी बड़ी बात है, आपके लिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि प्रकाश पादुकोण ने वर्ल्ड चैंपियनशिप, पहला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आया था वो प्रकाश पादुकोण का ही आया था 1983 में। आज आपने इतने सालों बाद उस एकेडमी में ये मेडल लेके जाएंगे, उस एकेडमी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये। जी डेफिनेटली, सब हम लोग काफी टाइम से वो एकेडमी में खेल रहे हैं, 10 साल हो गए हैं। एंड काफी टाइम बाद एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल वो जो मैंने जीता है वो एकेडमी एकेडमी के लिए जाएगा। एंड उनका जो स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा है वो काफी अच्छा था। इवन मेरा स्टार्टिंग डेज से जब मैं एकेडमी ज्वाइन किया था तब से ही एक इम्प्रूवमेंट चलता है गेम में, और जिस तरीके से प्रकाश सर, विमल सर वो लोग कोचिंग कराते हैं, एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा जब भी मैं ट्रेनिंग अच्छा लग करता हूँ। रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप ये मेडल जो है इतने सालों बाद, मतलब करीब 30-40 साल बाद आप ये मेडल लेकर जा रहे हैं प्रकाश सर की एकेडमी में, उनके पास जो मेडल, शायद से उनको कब से इंतजार होगा इस मेडल का। जी डेफिनेटली, वो जब मैं सेमीफाइनल में आया या
में आया, देवर एक्सपेक्टिंग अ बेटर मेडल, बट या अभी मतलब ब्रॉन्ज मेडल आया है एंड एक इस पूरे एकेडमी के लिए, पूरा इंडियन बैडमिंटन के लिए कि दो लोग सेमीफाइनल्स में खेले और मतलब दोनों इंडियंस और बिल्कुल दो मेडल एश्योर्ड था, तो आई थिंक पूरा इंडियन बैडमिंटन के लिए और अपना एकेडमी के लिए काफी प्राउड मूवमेंट है, और इवन उत्तराखंड के लिए और जिन जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया स्टार्टिंग से, मतलब उन ये मेडल उन सब के लिए। जी, आपने क्योंकि अल्मोड़ा की आपने बहुत अच्छे से इसको रखा कि इंडियन बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी बात है कि दो इंडियंस सेमीफाइनल में पहुंचे। इनफैक्ट तीन इंडियंस जो हैं वो उस क्वार्टर फाइनल में थे, HS प्रणॉय ऑफ कोर्स उसके बाद नहीं प्रोग्रेस कर पाए। श्रीकांत से आप हारे, कोई बात नहीं, 20 साल की आपकी उम्र। लक्ष्य, मैंने सुना है कि अल्मोड़ा का शायद से ही कोई ऐसा अखबार है जिसके फ्रंट पेज पे लक्ष्य सेन की आज तस्वीर और उसपे कहानियां स्टोरीज नहीं छपी हैं। जी डेफिनेटली अल्मोड़ा का मैं वही मतलब मैं पैदा हुआ था और फिर काफी टाइम तक वही मैं प्रैक्टिस करता था और अल्मोड़ा में रहा हूँ, तो जो मतलब अल्मोड़ा का सपोर्ट रहा है मेरे लिए हमेशा, या उत्तराखंड का, या जो उत्तराखंड का एसोसिएशन है, या अल्मोड़ा जो बैडमिंटन परिवार है वहाँ पे, वो मतलब अलग लेवल का रहता है, और हमेशा जब भी मैं वहाँ पे जाऊँ तो लोग मतलब काफी रिगार्ड्स करते हैं कि कोई उत्तराखंड से खेल रहा है, और वो एक चीज है जो मतलब मतलब हमें जोड़े रखती है बैडमिंटन से, हमारे घर से, तो आई थिंक ये सब ये जो मेडल है मैं उनके लिए है, और जो भी फैन उत्तराखंड में अल्मोड़ा में जितने भी लोग को मैं जानता हूँ मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनके विशेस और ब्लेसिंग्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं। जी तो आप मुझे भी थैंक यू बोलिए फिर। थैंक यू सर आपको भी। आपको पता है, मैं देखिए, मैं भी एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि मैं भी अल्मोड़ा से हूँ। क्योंकि आपने जगह का नाम सुना हो ना सुना हो, अल्मोड़ा से ना 3 घंटे और ऊपर, 2.5-3 घंटे और ऊपर ड्राइव है ग्वालदम के लिए। हाँ ग्वालियर। तो मैं एक्चुअली मैंने अपने शुरुआती जो साल हैं बहुत सारे वहीं निकाले हैं, और हम लोग अल्मोड़ा अक्सर, हमारा हर हफ्ते आना जाना लगा रहता था अल्मोड़ा में भी। तो मैं भी, आप मान सकते हैं कि मैं भी अल्मोड़ा से हूं, तो इसलिए मैं भी आपसे वो थैंक यू लूंगा। बट लक्ष्य, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू जिस हिसाब से आपने खेला है इस यंग एज में। बहुत मुश्किल होता है कि फैमिली को आप छोड़कर आए, पेरेंट्स को, अब तो खैर आई थिंक आपके पेरेंट्स भी मूव कर चुके हैं जी बैंगलोर, अल्मोड़ा मिस करते हैं आप? क्योंकि देखिए, आपकी जो एज है वहां पे आपके दोस्त भी होते हैं, स्कूलमेट्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो लोग घूमने जा रहे हैं, उनको वहां बात चलती होती है, क्योंकि आज आपकी एज ग्रुप में कि यार स्पाइडरमैन नो वे होम देखने जाना है, वो रिलीज हुई है। आप, क्योंकि आप इन सब चीजों को नहीं एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक तो नाम आपने लक्ष्य रखा है, ऊपर से आई थिंक आपका गोल भी एक ही है। यू कांट आप अपने खाने में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ट्रेनिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मिस करते हैं। मम्मी के लिए तो एटलीस्ट होता होगा, मदर के लिए, कि यार मेरे बेटे ने क्या खाया है, घर में देख शक्ल नहीं देखी, क्योंकि आप टूर पे इतने वक्त से होंगे। जी अभी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए हम लोग बाहर ही हैं, और बीच में बस एक दो दिन का मौका मिला था घर जाने के लिए बैंगलोर में, वो भी तो बस मम्मी का तो यही है कि तू रेस्ट कर और थोड़ा घर आके खाना वाना खा एंड बट या अभी ये लास्ट टूर्नामेंट था एंड इसके बाद मैं एक मतलब 1 वीक का ऐसे ब्रेक लेने वाला हूँ, तो आई थिंक ये जो सब बाकी क्या चीजें हैं मैं ट्राई करूंगा अपने आप मतलब वो सब करने के लिए, लाइक सबसे पहले तो स्पाइडरमैन नो वे होम देखने एंड बाकी जी चीजें जो मैं रेगुलर टाइम में या टोल्स के टाइम में नहीं कर पाता वो मैं ट्राई करूंगा करने का, और फिर उसके बाद बैक टू ट्रेनिंग, बैक टू बाकी टूर्नामेंट्स के लिए। बट जब आप मतलब एक काम पे होते हैं एंड यू हैव समथिंग टू अचीव, तो ये सब चीजें उतना मायने नहीं रखता है वो टाइम पे। डेफिनेटली मतलब ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इतने टाइम से बाहर हैं, तो एक माइंड को फ्रेश करने के लिए और ये सब चीजें इम्पोर्टेंट हो गए, और अभी मैं एक 1 वीक का ब्रेक लेने वाला हूँ, तो उसमें मैं ट्राई करूंगा ये सब चीजें करने का अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश।
लक्ष्य थॉमस कप जो है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं हो पाया था, इनफैक्ट आपको सिलेक्शन वो, क्योंकि अगर उस वक्त हम जो बात कर रहे थे उस वक्त यही बात हो रही थी कि यार वो जो सिलेक्शन था वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि फ्लॉड था, आपको होना चाहिए था, आपको शायद से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पर वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज बना आपके लिए, क्योंकि आप विक्टर एक्सेलसन के साथ आपने वो ट्रेनिंग करी और उनके साथ जो बाकी के जो आप चार यंग बैडमिंटन प्लेयर्स थे, वो आज इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक फाइनल खेल रहा है अगेंस्ट किदांबी श्रीकांत, और विक्टर एक्सेलसन हम सबको पता है वो कौन है, एक आप हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, तो उससे कितना फर्क हुआ हाइंडसाइट में अगर आप सोचते हैं, फायदा ही हुआ आपका? जी हाँ, जो सिलेक्शन ट्रायल्स मैंने खेला था, आई थिंक उसके लिए मैं इतना प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि आपकी मेरे तबीयत पास ठीक थी उसमें? जी तबीयत ठीक थी, बट मतलब काफी टाइम से हमने मैचेस नहीं खेले थे, एंड एक काफी पेंडेमिक के बाद से एक थोड़ा ब्रेक था, जो हमें टूर्नामेंट्स खेलने को नहीं मिले थे, और एक जो मैच प्रैक्टिस था वो उतना अच्छा नहीं था, मतलब मेरे हिसाब से वो टूर्नामेंट के पहले, तो या एक दिन मेरा दिन अच्छा नहीं गया एंड आई लॉस्ट दैट मैच, तो उससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट आफ्टर दैट जो हमने ट्रेनिंग करी विक्टर एक्सेलसन के साथ, क्योंकि हमने बैंगलोर में प्रकाश पादुकोण एकेडमी में, या जो हमने काफी फिजिकल एस्पेक्ट पे ट्रेनिंग किया था, मतलब ऑफ सीजन टाइप का ट्रेनिंग हमने काफी ज्यादा किया था टू इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ स्किल, मतलब एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, बट वहां पे जाने के बाद एक जो स्पारिंग था वो काफी अच्छा हुआ दुबई में जाके, एंड जो हमने गेम्स खेले जस्ट बिफोर द सीजन, जो हम लोग यूरोप में टूर्नामेंट्स खेलने गए उसके पहले 2 वीक जो हमने ट्रेनिंग किया, मतलब काफी वन ऑन वन खेला, और काफी शॉर्ट गेम्स और जो गेम्स खेले वो एक मैच के क्विकनेस लाने के लिए, और मतलब काफी मैच प्रैक्टिस में काफी हेल्प हुआ वो चीज का। तो आई थिंक सेम वे लोकिन्यू जैसे खेला, या इवन विक्टर जी एक्सेलसन उसके बाद 2-3 टूर्नामेंट जीते, एंड इवन लोकिन्यू काफी अच्छा कर रहा है इज इन द फाइनल, तो आई थिंक सबको जी हेल्प हुआ उस चीज का, जब हम नया थोड़ा स्पारिंग करते हैं तो आई थिंक काफी हेल्प हुआ वो चीज का सब। लक्ष्य, एक एस्पेक्ट आपका जो देखने को मिला यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में, आपका रिट्रीवल बहुत अच्छा हो गया है, क्या वो एक ये है कि मेच्योरिटी दिख रही, ऐसा लग रहा है कि सडनली 20 साल की उम्र में आप एक थोड़े मेच्योर प्लेयर दिख रहे हैं, या आपका रिट्रीवल, क्योंकि कभी कभार होता है कि हम सोचते हैं कि यार अब मार दें अब मार दें, आप ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि जो गेम है शटल को गेम में रखा जाए, फिर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए जिससे आप एक अपॉर्चुनिटी, एक विनर के लिए एक अपॉर्चुनिटी, क्या वो एक इंटेंशनल आपके गेम में डाला गया है ट्रेनिंग के जरिए? जी डेफिनेटली, जब से मैं सीनियर सर्किट में खेलने लगा हूँ, इवन 2019 में जब मैं यूरोप में टूर्नामेंट्स खेला, काफी बड़े टूर्नामेंट्स नहीं थे, चैलेंज लेवल के टूर्नामेंट्स, सुपर 100 लेवल के टूर्नामेंट्स, तो उसमें तब हम मॉर्टन फ्रॉस्ट सर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे इन डेनमार्क, तो वो एक चीज थी, तब से हम लोग ट्राई कर रहे थे अपना गेम में लाने के लिए, क्योंकि जूनियर्स के टाइम पे मतलब मैं काफी एक्सप्लोजिव खेलता था, स्मैश अटैकिंग गेम जी काफी अच्छा खेलता था, बट इन द सीनियर सर्किट सबका सब मतलब फिट रहते हैं एंड एवरीवन इज रेडी टू रिट्रीव, एंड देर आर मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेयर जो अलग अलग गेम खेलते हैं, एंड सबके साथ आप एक जैसा गेम से नहीं जीत सकते, तो वो एक चीज था जो हमने 2019 में उस पे काम करना स्टार्ट किया था कि बिल्ड द रैली, और मतलब जी जितना आप और अपना स्टैमिना स्ट्रेंथ वो सब इंप्रूव करेंगे, डेफिनेटली यू मतलब जो शॉर्ट सिलेक्शन होता है वो आपका अच्छा होता है, एंड जब राइट टाइम है तब किल करना है, तो वो एक चीज है जो एक्सपीरियंस के साथ और आनी है, और आई फील कि पहले से काफी बेटर है वो चीज, और ये सब जो लास्ट टूर्नामेंट मैंने खेले वो उसमें वो चीज एक जो है जो अच्छा रहा है। जी अच्छा लक्ष्य, क्योंकि आपने कहा स्पाइडरमैन के फैन हैं शायद से आप, अगर आप देखने जा रहे हैं आप बोल रहे हैं, तो
तो मैं क्योंकि उसी का एक एक डायलॉग भी है, क्योंकि ये ब्रॉन्ज मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल भी एक पावर ही है। वो बोलते हैं कि विथ पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अब जब आपने एक बड़ा मेडल जीता है, आप सर्किट पे दिख रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, कंटिन्यूअसली आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब आप उस लेवल पे खेल पहुंच चुके हैं जहां पे आपको टॉप प्लेयर्स रेगुलरली मिलते रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। अब आने वाले वक्त में एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ऑल इंग्लैंड है, यहाँ पे भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ऑल इंग्लैंड आपने क्वार्टर फाइनल तक, सेमीफाइनल, क्वार्टर सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल आपने खेला था ऑल इंग्लैंड, तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। आपको लगता है आपका पीक जो है अभी, मतलब आप पीक के आसपास भी नहीं है, यहाँ से अभी बहुत कुछ करना है? जी डेफिनेटली जो लास्ट मैंने 2 मंथ्स में जो टूर्नामेंट्स खेले हैं, काफी बड़े टूर्नामेंट्स खेलने को मिला है, एंड लाइक वर्ल्ड टूर फाइनल्स जिसके लिए टॉप 8 क्वालिफाई करते हैं वो मैंने खेला था, एंड मेरा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये एक एक्सपीरियंस है। एट द सेम टाइम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, बट वो एक और चीज है कि जब मैं सेकेंड टाइम खेलूंगा तो एटलीस्ट मेरे पे एक आइडिया रहेगा कि कैसा टूर्नामेंट होने वाला है, मैं इतने सारे प्लेयर्स के साथ कंटिन्यूअसली राइट खेल रहा हूँ तो उनका गेम स्टाइल और कैसे खेलते हैं, और जो गेम के अंदर आप मैचेस के साथ सीखते हैं, आई थिंक वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, और हर मैच से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और नेक्स्ट मैच में जब मैं जाता हूँ तो वो मुझे एक पता रहता है कि क्या हुआ था लास्ट टाइम, क्या मतलब अगर वो सेम सिचुएशन आएगी तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आई राइट थिंक एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, अगर जैसे फर्स्ट बड़ा टाइटल आया है, बट एट द सेम टाइम एक अच्छा मेरे पे एक्सपीरियंस भी गेम। लक्ष्य, आपके फादर डिफिकल्ट कोच हैं या विमल सर? नहीं, दोनों ही अच्छे कोचेज हैं, एंड या नहीं मतलब नहीं मैं ये तो मैं डाउट ही नहीं कर रहा हूं, अगर वो दोनों आपको कोचिंग कर रहे हैं, आप टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीत रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों ही अच्छे कोचेज होंगे आपके। इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए, आपके फादर के लिए का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये कि यार उन्होंने पूरा मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग आपको लेके बैंगलोर आ गए, शिफ्ट कर गए यहाँ पे अल्मोड़ा से, उन लोगों का काफी सैक्रिफाइस है। बट मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपके फादर खुद एक अरसे से कोचिंग करते हैं, आपके करियर को भी डिफाइन करने में, गाइड करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो घर पे भी बैडमिंटन की ही बातें होती होंगी, आपकी मदर परेशान नहीं हो जाती? क्योंकि फादर भी मतलब खाना खाते खाते भी कोचिंग ही चल रही है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना है विमल सर, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, डिफरेंट एक ये है, घर पे हम लोग इतना मतलब डेफिनेटली अगर कुछ ट्रेनिंग का है या मैचेस का है तो डेफिनेटली घर पे भी बात होता है, बट वो एक इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि घर पे हमेशा वही बात चल रहा है, बट दोनों एज इन टूर्नामेंट्स में काफी टाइम पापा ट्रैवल करते हैं, तो एज इन टूर्नामेंट के टाइम पे वो काफी हेल्प करते हैं, और जो मतलब पीछे से मैच के पीछे बैठ के जो वो एडवाइस करते हैं काफी हेल्पफुल रहता है हर चीज। एंड विमल सर ज्यादा बैंगलोर में जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तब वो हमारे साथ रहते हैं, तो आई थिंक वो काफी अच्छा टूर्नामेंट्स प्लान करते हैं, एंड काफी मतलब उनका नॉलेज काफी हेल्पफुल रहता है गेम जी में, द वे ही फील्ड्स ऑन कोर्ट इज वेरी गुड, जो उनका मल्टी शटल है आई थिंक वो काफी टफ रहता है एज एन प्लेयर टू प्ले, बिल्कुल एंड वो एक वो भी बिल्कुल एक लेवल पे खेले हुए हैं तो उनका स्ट्रोक्स भी उस लेवल का है, तो वो खेलते टाइम वो काफी मतलब फील्डिंग के टाइम काफी और लक्ष्य, खाली वक्त कैसे बिताते हैं आप जब आप बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो, जस्ट टू मतलब कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द गेम, अगर कभी वक्त मिलता है तो? जी घर पे रहते हैं तो मतलब दोस्त लोग आते हैं कभी संडेज को, या वैसे तो हम लोग प्ले स्टेशन या कुछ खेलते हैं, या फिर बाहर कहीं घूमने जाते हैं या मूवीज देखते हैं, तो मूवीज कौन सी देखते हैं आप? कैसी मतलब कैसी मूवीज आपको पसंद है? सुपर हीरोज, अब तो स्पोर्ट्स पे बायोपिक्स बहुत आती हैं, चाहे इंडियन हो या बाकी, क्या लास्ट क्या देखा था आपने?
देखने के लिए तो मतलब काफी चीजें हैं आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जो लास्ट आपने क्या देखा था ओटीटी पे या किसी आज अभी मैं कोई देख रहा मूवी? था मैराडोना जो सीरीज आई ओ थी, तो उसका नेटफ्लिक्स, दो एपिसोड देखा है मैंने अभी। एंड बट काफी जो अमेजोन प्राइम पे जो सीरीज आती है लाइक मिर्जापुर, और अभी लास्ट एक इनसाइड एज, ये सब सीरीज, तो वो सब मैं काफी देखता हूँ, वो सब मतलब देखना काफी पसंद है। एंड एट द सेम टाइम मार्वल का कोई भी मूवी, मैं सारे मूवीज देखा हूँ मार्वल डीसी के, तो वो भी एक मतलब हमेशा रहता है कि कोई भी मार्वल मूवी आए तो देख। एवेंजर फैन हैं आप? जी ब्रेक लेंगे एक हफ्ते का, तीन चीजें क्या करेंगे आप नेक्स्ट 3 चीजें खाली वक्त में? दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा बैंगलोर में, एंड थोड़ा एक मतलब अपना एक आपने रिकवरी के, स्पाइडरमैन भी देखनी है। एक स्पाइडरमैन देखनी है, एंड और थोड़ा मतलब बॉडी को टेक केयर करूंगा, जो भी मतलब मैं कर सकता हूँ एक वीक में, मतलब बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए बाहर जाना है, या फिर कुछ मतलब फिजियो ट्रीटमेंट्स हैं, या जो भी मतलब लाइट पूल सेशंस हैं, वो सब है। ऑल राइट लक्ष्य, थैंक यू वेरी मच, एंड द एंटायर नेशन इज वेरी प्राउड ऑफ यू। जिस हिसाब से आपने अभी अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप तो एक इज द आइसिंग ऑन ऑन द केक। जिस हिसाब से आपने परफॉर्मेंस करी है, ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी आपके लिए, एंड थैंक यू सो वेरी मच।